नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। सी प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे रैंडम नंबर्स के बारे में। अधिकांश कंप्यूटर प्रोग्राम हर बार एग्जीक्यूट होने पर एक ही काम करते हैं, इसलिए उन्हें डिटर्मिनिस्टिक कहा जाता है। आमतौर पर डिटर्मिनिज्म एक अच्छी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम कैलकुलेशन के लिए हमेशा सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस के लिए, हालांकि हम चाहेंगे कि कंप्यूटर अनप्रिडिक्टेबल हो, जैसे कि कंप्यूटर गेम्स में। एक प्रोग्राम को सही मायने में नॉन डिटर्मिनिस्टिक बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल करके यह प्रोग्राम नॉन डिटर्मिनिस्टिक जैसे लगते हैं। उनमें से एक तरीका है सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करना और प्रोग्राम के परिणाम को निर्धारित करने के लिए उनका उपयोग करना। मैथमेटिकल सेंस में सूडो रैंडम नंबर्स वास्तव में रैंडम नहीं हैं, लेकिन हमारे उद्देश्यों के लिए उपयोगी साबित होंगे। सी में रैंडम नाम का एक फंक्शन है जो कि सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। इसे stdlib.h हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया है। रैंडम फंक्शन की रिटर्न वैल्यू 0 और रैंड मैक्स के बीच के इंटीजर है, जहां रैंड मैक्स एक लार्ज नंबर है जो कि हेडर फाइल में डिफाइंड है। जब भी आप रैंडम फंक्शन को कॉल करते हैं तो यह हर बार एक रैंडमली जनरेटेड नंबर जनरेट करता है। एक सैंपल देखने के लिए इस लूप को चलाएं। मेरे कंप्यूटर में ये नंबर जनरेट हुए। हालांकि आपके कंप्यूटर में ये डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करेगा। बेशक हम हमेशा जेनेटिक इंटीजर्स के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, अधिकतर हम जीरो और किसी अपर बाउंड के बीच के इंटीजर जनरेट करना चाहते हैं। ऐसा करने का एक सरल तरीका मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए, चूंकि y रिमाइंडर है, जब x को अपर बाउंड द्वारा डिवाइड किया जाता है, इसलिए y के लिए पॉसिबल वैल्यू 0 और अपर बाउंड -1 के बीच की हैं, जिनमें दोनों एंड पॉइंट्स शामिल हैं। हालांकि ध्यान रखें कि y कभी भी अपर बाउंड के बराबर नहीं होगा। कई बार रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज को जनरेट करना भी उपयोगी होता है। ऐसा करने का एक सामान्य तरीका रैंड मैक्स द्वारा डिवाइड करना है। उदाहरण के लिए, यह कोड y को 0.0 और 1.0 के बीच एक रैंडम वैल्यू पर सेट करता है, जिनमें दोनों एंड पॉइंट्स शामिल हैं। रैंडम फंक्शन द्वारा जनरेट किए गए नंबर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समझे जाते हैं। इसका मतलब है कि इनकी रेंज के अंदर आने वाली सभी वैल्यूज के ऑकरेंस की संभावना समान होती है। आगे हम ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे जो रैंडम नंबर्स का एक सीक्वेंस को जनरेट करेंगे। अब हम बात करेंगे एरे ऑफ रैंडम नंबर्स की। इसका पहला स्टेप है बड़ी संख्या में रैंडम वैल्यूज को जनरेट करना और उन्हें एक एरे में स्टोर करना। बड़ी संख्या से यहां मेरा तात्पर्य है लगभग 20। डीबगिंग में आसानी के लिए एक मैनेजेबल नंबर के साथ शुरू करने और फिर बाद में इन नंबर्स को बढ़ाना चाहिए। स्क्रीन पर दिखाया गया फंक्शन 3 आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, एरे ऑफ इंटीजर्स, साइज ऑफ एरे और अपर बाउंड फॉर द रेंडम वैल्यूज। यह फंक्शन 0 और अपर बाउंड -1 के बीच की रैंडम वैल्यूज जो कि इंटीजर टाइप की हैं जनरेट करता है और उसे एरे में स्टोर करता है। इस फंक्शन में रिटर्न टाइप void है, जिसका अर्थ है यह फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए एक ऐसा फंक्शन का होना सुविधाजनक है जो किसी एरे के कंटेंट्स को आउटपुट करता है।
यह कोड रैंडम वैल्यूज से भरे हुए एक एरे को क्रिएट करता है और इसे आउटपुट करता है। मेरे कंप्यूटर पर यह प्रोग्राम को रन करने पर यह आउटपुट प्राप्त हुआ। आपके कंप्यूटर पर दूसरी वैल्यू जनरेट हो सकती है क्योंकि यह फंक्शन रैंडम वैल्यूज जनरेट करता है। यदि ये नंबर्स वास्तव में रैंडम हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक नंबर समान संख्या में दिखाई दे, जैसे कि इस केस में प्रत्येक दो बार। लेकिन वास्तव में नंबर 6 पांच बार दिखाई देता है और नंबर 4 और 8 कभी भी दिखाई नहीं देते। क्या इन रिजल्ट्स का मतलब है कि वैल्यूज वास्तव में यूनिफॉर्म नहीं है? यह बताना कठिन है। इतनी कम वैल्यूज के साथ बहुत कम संभावना है कि हम वैसा ही रिजल्ट प्राप्त करेंगे जैसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूज की संख्या बढ़ती है, परिणाम अधिक प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं जो प्रत्येक वैल्यू की ऑकरेंस के काउंट का हिसाब रखते हैं और फिर देखते हैं कि जब हम अपने एरे में एलिमेंट्स की संख्या बढ़ाते हैं तो क्या होता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि हमारा रेंडमाइज एरे फंक्शन थोड़ा असामान्य लग रहा है। हम इस फंक्शन में एक एरे पास करते हैं और एक रेंडमाइज एरे वापस पाने की उम्मीद करते हैं, जबकि हमने इसे एक वॉइड फंक्शन के रूप में डिक्लेयर किया है और चमत्कारिक रूप से फंक्शन ने एरे को अल्टर कर दिया है। यह व्यवहार अब तक मेरे द्वारा फंक्शन में वेरिएबल्स के यूज के बारे में जो भी कहा था उसके विपरीत है। सी आमतौर पर एक्सप्रेशन में कॉल बाय वैल्यू इवैल्यूएशन का उपयोग करती है। यदि आप किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के एक वेरिएबल में कॉपी हो जाती है। यह तब भी होता है जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है। कॉल्ड फंक्शन के इंटरनल वेरिएबल्स में किए गए कोई भी चेंजेस कॉलिंग फंक्शन की एक्सटर्नल वैल्यूज पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं। जब भी हम किसी फंक्शन में कोई एरे पास करते हैं तो यह व्यवहार कॉल बाय रेफरेंस इवैल्यूएशन कहलाता है। सी एरे को किसी इंटरनल एरे में कॉपी नहीं करता, बल्कि यह ओरिजिनल एरे के लिए एक रेफरेंस जनरेट करता है और कॉल फंक्शन में किए गए कोई भी ऑपरेशन डायरेक्टली ओरिजिनल एरे को अफेक्ट करते हैं। यह भी कारण है कि हम अपने फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि चेंजेस पहले ही हो चुके हैं। कॉल बाय रेफरेंस कॉल फंक्शन द्वारा लेंथ ऑफ एरे की वैल्यू को भी सप्लाई करना आवश्यक बना देता है, क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर को इन्वोक करने पर कॉल्ड फंक्शन रेफरेंस एरे का साइज डिटरमाइन करेगा, ना कि ओरिजिनल एरे का। कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के बारे में चर्चा हम आगे के लेक्चर्स में भी जारी रखेंगे। अब हम बात करते हैं काउंटिंग की। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में तोड़ना, फिर इन छोटी सब प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए एक आसान फंक्शन लिखना और इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कंबाइन करके मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस अप्रोच को बॉटम अप डिजाइन अप्रोच कहा जाता है। आइए अब हम एक उदाहरण की चर्चा करते हैं। हमारे पास एक सेट है जिसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जानना चाहते हैं कि इस सेट के कोई सर्टेन वैल्यू कितनी बार ऑकर हुई है और हम उसका काउंट रखना चाहते हैं। आप इस प्रोग्राम को ट्रेवर्स एंड काउंट नाम के एक पैटर्न के उदाहरण के रूप में भी सोच सकते हैं। इस पैटर्न के एलिमेंट्स हैं एक सेट या कंटेनर जिसे किसी स्ट्रिंग या एरे की तरह ट्रेवर्स किया जा सकता है, एक टेस्ट जिसे आप कंटेनर के प्रत्येक एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, और काउंटर जो ट्रैक करता है कि कितने एलिमेंट्स टेस्ट को पास करते हैं। इस मामले में हम हाउ मैनी नाम का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो आर्ग्यूमेंट के रूप में पास की गई वैल्यू को एरे के सभी एलिमेंट से कंपेयर करें और एरे में ये वैल्यू कितनी बार आई है इसका काउंट रख सके। इस फंक्शन के तीन पैरामीटर्स हैं: एरे, लेंथ ऑफ द एरे
और इंटीजर वैल्यू जिसे हम सर्च करना चाहते हैं, और इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है एक नंबर जो दर्शाता है कि आर्गुमेंट के रूप में पास की गई नंबर या वैल्यू इस सेट में कितनी बार आई है। हाउ मैनी फंक्शन केवल सेट में आर्गुमेंट के रूप में पास की गई वैल्यू की ऑकरेंस को काउंट करता है, और हम ये जानना चाहते हैं कि सेट में प्रेजेंट हर एलिमेंट या वैल्यू की ऑकरेंस क्या है। इस समस्या का समाधान हम इस लूप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह कोड क्रम से 0 और 9 के बीच की प्रत्येक वैल्यू को चेक करने के लिए लूप वेरिएबल को एक आर्गुमेंट के रूप में हाउ मैनी फंक्शन में पास करता है। इसका आउटपुट है इस आउटपुट को देखकर यह बताना मुश्किल है कि क्या सभी डिजिट की ऑकरेंस वास्तव में समान है, पर यदि हम एरे का साइज बढ़ाकर 100,000 कर देते हैं तो हमें निम्नलिखित आउटपुट मिलता है। इसको देखकर लगता है कि सभी नंबर्स की ऑकरेंस लगभग बराबर है। पिछले एग्जाम्पल में हमने जो टेबल क्रिएट की हम उसको भविष्य के लिए उपयोग के लिए स्टोर भी करना चाहेंगे। अब अगर हमें ये 10 इंटीजर वैल्यूज टेबल में सेव करनी हो तो हम 10 इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और हर वेरिएबल को एक नाम देंगे तथा हर वेरिएबल नेम को एक वैल्यू असाइन कर देंगे। लेकिन सोचिए अगर आपके टेबल में 1000 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो क्या हर वेरिएबल को एक नाम देना फिजिबल होगा? सोचिए इन वेरिएबल्स के नेम्स को टाइप करने में कितने एफर्ट्स लगेंगे। इसका एक बेहतर समाधान है, आप एरे डिफाइन कीजिए जिसकी लेंथ 10 हो। इस तरह आप एक बार में ही 10 स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं और उन लोकेशंस को उनकी रिस्पेक्टिव इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। आपको 10 अलग अलग नाम के वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह। इसको हम हिस्टोग्राम कहेंगे क्योंकि यह एरे ऑफ नंबर्स के लिए एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो कि रेंज ऑफ वैल्यूज में किसी नंबर के अपीयरेंस या ऑकरेंस का काउंट प्रदर्शित करती है। यहां समझने वाली बात यह है कि इस प्रोग्राम में मैं दो अलग अलग तरीकों से लूप वेरिएबल का उपयोग कर रहा हूं। पहली बार मैं हाउ मैनी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल करता हूं जो कि ये बताता है मैं किस नंबर में इंटरेस्टेड हूं, और दूसरी बार इसे हिस्टोग्राम के इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल किया है जो यह बताता है कि रिजल्ट को किस लोकेशन में स्टोर करना है। हालांकि यह कोड काम करता है यह इतना एफिशिएंट नहीं है जितना हो सकता है। हर बार यह हाउ मैनी फंक्शन को कॉल करता है तो यह पूरे एरे को ट्रैवर्स करता है। इस एग्जाम्पल में हमें एरे को 10 बार ट्रेवर्स करना होगा। बेहतर होगा कि अगर हम एरे को एक ही बार में ट्रेवर्स करके इच्छित परिणाम प्राप्त कर पाए। एरे में प्रत्येक वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्डिंग काउंटर को ढूंढ कर हम उसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमें एरे की वैल्यूज को हिस्टोग्राम के इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह दिखेगा। इस कोड की दूसरी लाइन हिस्टोग्राम के एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज करती है। इस तरह जब हम लूप के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं तो हम जानते हैं कि हम 0 से शुरू कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम काउंटर की वैल्यू इनिशियलाइज करना भूल जाते हैं जो कि एरर का एक सबसे बड़ा कारण बनता है। यदि आपने इस लेक्चर में दर्शाए गए कोड को रन किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि कोड हर बार सेम रैंडम वैल्यूज जनरेट कर रहा है। सूडो रैंडम नंबर्स जनरेटर्स की एक प्रॉपर्टी है कि यदि वे एक ही स्थान से स्टार्ट करते हैं तो वे सेम सीक्वेंस ऑफ वैल्यू जनरेट करेंगे। इस स्टार्टिंग प्लेस को सीड कहा जाता है और बाय डिफॉल्ट सी हर प्रोग्राम को रन करने पर उसी सीड का उपयोग करती है।
डिबगिंग की दृष्टि से ये एक यूजफुल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब आप डिबगिंग कर रहे होते हैं तो अक्सर एक ही सीक्वेंस को बार बार देखना मददगार होता है। इस तरह जब आप प्रोग्राम में बदलाव करते हैं तो आप बदलाव से पहले और बाद के आउटपुट की तुलना कर सकते हैं। यदि आप रेंडम नंबर जनरेटर के लिए डिफरेंट सीट चुनना चाहते हैं तो आप एस रेंडम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक सिंगल आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है जो कि जीरो और रैंड मैक्स के बीच का इंटीजर वैल्यू है। कई एप्लीकेशंस के लिए जैसे कि गेम्स, आप हर बार प्रोग्राम को रन करने पर एक डिफरेंट रैंडम सीक्वेंस देखना चाहते हैं। इसका एक सामान्य तरीका है लाइब्रेरी फंक्शन टाइम। इसको इस्तेमाल करके जो कि अनप्रिडिक्टेबल और अनरिपीटेबल वैल्यूज जनरेट करता है। इस फंक्शन द्वारा जनरेट की गई वैल्यूज को सीट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने रैंडम नंबर्स के बारे में जाना और यह देखा कि हम सी में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।